ईयर में सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया, ऐसा कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है। जब जब कंट्रीज को प्रॉब्लम हुई है उन्होंने अपने हिसाब से उसको फिक्स्ड में कन्वर्ट किया है, मैनेज में कन्वर्ट किया है, फ्लेक्सिबल में कन्वर्ट किया है। सो अर्जेंटीना ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको फिर अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट कर लिया। एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट हैड बैंक्स ओपनिंग देयर डोर्स फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ईच वीक एंड अलाउइंग ओनली द टाइनी मनी विड्रॉल्स व्हेन दे वर ओपन, इट वॉज सीवियर। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गए थे और ऐसे कुछ दो चार केसेस अभी हमने इंडिया में भी ऑब्जर्व किए हैं। नाउ एन इकोनॉमी कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड विद बैंक्स क्लोज्ड एंड बिल्स गोइंग अनपेड, फाइनली दिस अर्जेंटीनियन इकोनॉमी सैंक इन टू डिप्रेशन। सो अर्जेंटीना का क्लियर है अगर आप लोगों को, तो मैं आप लोगों का अभी रिविजन करा देती हूँ। बताओ, रिवीजन करा दो एक बार क्विकली, दो मतलब इट विल टेक हार्डली आई थिंक 4 to 5 minutes स्टार्टिंग से अभी तक एक बार। उसके बाद मैंने आपको कहा था ना हम यूरो डिस्कस करेंगे, तो एक बार रिवीजन करने के बाद हम यूरो डिस्कस करेंगे, हाउ यूरो एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, सो वी डिस्कस्ड क्लासिकल कोल स्टैंडर्ड इन 1870s। यहाँ पे हमारी जो भी करेंसीज थी वो कन्वर्टेबल थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस फिक्स होते थे। देन देयर वाज वर्ल्ड वॉर 1 इन 1914, कंट्रीज कंप्लीटली अबैंडन्ड देयर कमिटमेंट कि अब वो कन्वर्ट नहीं करेंगी पेपर करेंसी को गोल्ड में, क्योंकि सबका बहुत ज्यादा डिफेंस में पैसा लग रहा था। देन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट 1918 to 1926 इट वॉज अडॉप्टेड, बट देन वॉट हैपन्ड, हाइपर इन्फ्लेशन, प्रोटेक्शनिज्म, सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी को अपने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड कॉम्पिटेटिव डिवेल्यूएशन ऑफ द करेंसीज। देन गोल्ड स्टैंडर्ड वॉज री अडॉप्टेड, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं था फ्लेक्सिबल, तो लगा चलो गोल्ड स्टैंडर्ड ही रीअडॉप्ट कर लेते हैं। बट उस टाइम पे अब क्योंकि लोग ये एक बार एक्सपीरियंस कर चुके थे कि हम लोगों का करेंसीज इन कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड हो चुकी है, तो फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों को। एंड इवन दिस डिड नॉट वर्क, एंड देन कंबाइंड विद अदर पॉलिसीज देयर वाज ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में भी क्योंकि बहुत नुकसान सारी इकोनॉमीज को हो रहा था, दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग वेरी टाइट एंड रिजिड बेगर दाय नेबर पॉलिसीज। अपने नेबर्स के इम्पोर्ट्स, वहां से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना, टैरिफ इम्पोज करना, उनके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म करना, एंड देयर वाज इंक्रीज्ड टैरिफ कंट्रोल्स। दिस फाइनली एंडेड गोल्ड स्टैंडर्ड एरा। अब यहाँ पे हम दो चीजें ट्राई करके देख चुके हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड भी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी, कुछ नहीं हो रहा है। देन फाइनली अब हमने कुछ 3-4 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे कि ये 3-4 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे हमारा नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट होना चाहिए। सो 1944 से हमारा ये ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था, वेयर इन यूएस, ब्रिटेन एंड ऑल अदर दीज यूरोपियन अलाइज, दे मेट एट द ब्रिटन वुड्स टू फाइंड अ सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर दिस गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। और यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ कि यूएस मेंटेन करेगा गोल्ड रिजर्व्स को, और मतलब अपनी करेंसी को उसमें फ्रीली कन्वर्टेबल होगा, बट जो बाकी सारी कंट्रीज हैं वो यूएसडी के रिजर्व मेंटेन करेंगे फिक्स्ड रेट्स पे जो यूएस डिसाइड करेगा। सो फ्रेंच ने इसको ऑब्जेक्ट किया फॉर पॉलिटिकल रीजंस, फॉर अदर साइनोरेज गेन्स एक्सेट्रा, देयर वाज रन ऑन गोल्ड। फाइनली यूएस को लगा कि सबको समझ आ रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूएस ने बोला ठीक है हम सारा का सारा जो गोल्ड का प्राइस सिस्टम है उसको फिक्स नहीं करेंगे, कुछ पार्ट फिक्स कर लेंगे, कुछ आप फ्लेक्सीबल कर लो। बट उसके बावजूद भी हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस होते जा रहे थे। फिर हमने IMF के अंदर ही कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की, जैसे कि हम लोगों ने IMF पहले सिर्फ मेंबर कंट्रीज को लोन देता था, तो अब वो नॉन मेंबर को भी देने लग गया। IMF के पास जो रिजर्व होता था वो सिर्फ मेंबर कंट्रीज से आता था, पर अब वो प्राइवेट कैपिटल मार्केट से भी ले सकता था। उसके बाद फिर हमने SDR भी लिए कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस बार-बार होते जा रहा है, तो एक काम करते हैं, कोटा सिस्टम के बेसिस पे जितना जिस कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया है उसका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट करके उनको पहले ही उनके उनके बैंकिंग नोट्स में उसको क्रेडिट कर देते हैं, ताकि जब भी इन कंट्रीज को जरूरत लगे ये वहां से विड्रॉ कर सके। तो ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को इंक्लूड किया गया IMF के अंदर। बट हुआ क्या, यूएस का उस टाइम पे क्योंकि क्या हो रहा था, बाकी सारी कंट्रीज अब यूएसडी रिजर्व्स मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। अब यूएसडी रिजर्व्स मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी तो यूएसडी की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो रही थी करेंसी। यूएस की करेंसी एप्रिशिएट हो रही थी तो उनके इम्पोर्ट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहे थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूएस का बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट हो रहा था। सो यूएस रिस्पॉन्डेड टू दिस ट्रेड डेफिसिट बाई सेइंग मैं नहीं कर रहा गोल्ड में कन्वर्ट,
अब जो गोल्ड है वो है, अब आप यूएसडी को ही मानो, यूएसडी ही है आपका सब कुछ, मैं गोल्ड में नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज जो यूएसडी का रिजर्व मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी वो इसीलिए कर रही थी कि यूएसडी को हम डायरेक्टली गोल्ड से गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूएस ने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया कि रिफ्यूज कर दिया कि मेरी करेंसी है, मैं नहीं अलाउ करता गोल्ड में चेंज करना। सो 1973 के बाद ऑलमोस्ट ऑल दी करेंसीज बिकेम फ्लोटिंग। देन 1973 में हमारा ये ओपेक कार्टल, ये सारी चीजें फॉर्म हुई, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने स्टार्ट हुए, सप्लायर्स की तरफ से यूएस में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, यूएस अपना फर्दर लोन आउट कर रहा था जिन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में कंट्रीज थी उनको, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूएसडी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने लग गया। देन देयर वॉज लार्ज स्केल लेंडिंग बाय यूएस टू द कंट्रीज एंड द कंपनीज, बोथ बायर्स ऑल्सो सेलर्स ऑल्सो। तो जो दो पार्ट्स में वर्ल्ड डिवाइडेड था, जो अरब हमारा सेल कर रहे थे एंड ऑल अदर दीज कंट्रीज जहाँ पे ऑयल का रिक्वायरमेंट था, दोनों की वजह से हमारा यूएसडी बेटर परफॉर्म कर रहा था। एंड फॉर्मल रेटिफिकेशन हुआ और फिर फॉर्मली गोल्ड को डीमोनेटाइज कर दिया गया 1980 में, एक ऑलमोस्ट एक डिकेड के बाद। देखो यूएस ने अराउंड 1970s के आसपास मना कर दिया था मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, पर 10 साल के बाद फॉर्मली गोल्ड को डीमोनेटाइज कर दिया। फिर 1980 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, सप्लाई साइड इकोनॉमीज पे फोकस किया गया, यूएस का ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा था यूएसडी, क्योंकि यूएसडी एप्रिशिएट हो रहा था उस टाइम पे। एप्रिशिएट क्यों हो रहा था? क्योंकि ऑयल प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो रहे थे, यूएसडी बेटर परफॉर्म कर रहा था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूएस ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज। एंड इसके साथ में हमारा थर्ड वर्ल्ड डेट क्राइसिस भी चल रहा था। तो एक तरीके से हमारी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही थी और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही थी। इसकी वजह से अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम में मूव करेंगे। सो डेटर नेशंस थे वो अपना डेट पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यूएसडी बहुत अप्रिशिएट कर रहा था, इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्रीज कर रही थी, और जो डेटर नेशंस थे ऑलमोस्ट सब लोग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो सबने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया कि चलो एक्सपोर्ट रेवेन्यू कुछ आएगा, उससे हमारा कुछ गुजारा हो जाए। बट इट डिड नॉट हैपन, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि प्राइस रिड्यूस हो गया, एंड इट लेड टू डिस इन्फ्लेशन, प्राइसेस स्टार्टेड रिड्यूसिंग। Now, what was third world debt crisis? Third world debt crisis, countries were not able to pay back the loans. There were various reasons for this. There was 27% reduction in the commodity prices, led to recession because these countries were increasing the prices. Mujhe ek cheez confirm karo, am I going too fast? Ya aap follow kar pa rahe ho? Am I going too fast? Ya follow? Kyunki main teesri baar revision kar rahi hu same topic ka, isliye main thoda quickly kar rahi hu. Follow kar pa rahe ho ya slow bolu?